हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए हेल्दी क्रिस्पी करेले की रेसिपी। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसमें ना ही ज़्यादा तेल और ना ही ज़्यादा मसाला यूज हुआ है। आप इस तरह से घर में बना कर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने करेले को पूरा पतला पतला काटा है। करेले को मोटा काटेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। और गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई गर्म होने से 1.5 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने से 1/2 छोटा चम्मच सरसों और 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा सरसों अच्छे से पकने के बाद करेला डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिला के ढक देंगे। इसी तरह से ढक ढक के चलाते हुए करेले को क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। करेला क्रिस्पी हो गई है तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा तेल को निकाल लेंगे। ज़रा सा मिर्च पाउडर और ज़रा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। ज़रा सा चाट मसाला डाल देंगे। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे डालने से करेला में ज़रा सी खटास आ जाती है। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। कैसी लगी आप सभी को क्रिस्पी करेले की रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।